अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे को लेकर भाजपा की किरकिरी होते देख भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन के जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा का बचाव करते हुए कहा कि कुछ लोग अस्पताल के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 वर्ष सत्ता में रही तब भी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी, तो तब सोलन के विधायक ने सोलन की जनता के लिए कितने धरने प्रदर्शन किए और अस्पताल में डॉक्टरों का प्रबंध क्यों नहीं किया। भाजपा जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल अपने कार्यकाल में सोलन के अस्पताल के लिए कुछ नहीं कर पाए और आज वह इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन सोलन पहुंचे उन्होंने सोलन अस्पताल को 10 चिकित्सक दिए थे और यह भी कहा था कि जल्द ही सरकार 100 चिकित्सकों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें से सोलन को भी कुछ चिकित्सक मिलने वाले हैं, तब सोलन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का कोई भी पदाधिकारी अनशन में शामिल नहीं है और जो युवक अपने आप को भाजपा का पदाधिकारी बता रहे हैं वह पिछले कई वर्षों से सक्रिय नहीं है। लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, पूर्व सरकार में जब विपक्ष में थे तो हम बैठे थे और आपकी बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पर जो कुछ मशीन्स हैं, कुछ डॉक्टरों की कमी रही है। मैं वही तो सवाल आज पूछना चाहता हूँ कि 4 महीने हुए हमारी सरकार को बने, जयराम ठाकुर जी को 4 महीने हुए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते सारी 14 तारीख को यहाँ पर कुछ स्टाफ दिया और उसके बाद भी ये बोल करके गए कि जैसे ही MBBS डॉक्टरों की भर्ती होगी हम पर्याप्त संख्या में यहाँ डॉक्टरों को भेजेंगे और वो प्रोसेस जारी है। और जो भी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको लेकर गंभीर, मेरे को तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा बैठा हो जिसका एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है मनोज रघुवंशी का, वो पिछले 1 साल से सक्रिय नहीं है पार्टी के अंदर। और उसके अलावा तो कोई भी हमारा पदाधिकारी या कोई भी काउंसलर या कोई भी नेता ऐसा वहाँ जा करके उनको समर्थन नहीं दे रहा है।